सत्ता परिवर्तन 2014 की तैयारी के लिए युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी महाराज अलग अलग प्रांतों में जाकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी क्रम में आज राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज आंध्र प्रदेश के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने हेतु हैदराबाद पहुंचे। कार्यकर्ता सम्मेलन शुरू होने से पूर्व स्वामी जी महाराज ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभा स्थल के बाहर ध्वजारोहण कर राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की। वंदे मातरम के साथ संपन्न हुए ध्वजारोहण समारोह के पश्चात स्वामी जी महाराज जब कार्यकर्ताओं को संबोधित करने सभागार में पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने स्वामी जी महाराज को भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भेंट कर तथा पगड़ी व शॉल पहनाकर उनका सम्मान किया एवं मंत्रोच्चार के साथ कार्यकर्ताओं ने स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया। आइए देखते हैं आज हैदराबाद में संपन्न हुए कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य अंश। एक दो छोटी छोटी प्रार्थनाएं बोलेंगे। हम जब बच्चे थे तब गणतंत्र दिवस पर, स्वाधीनता दिवस पर देशभक्ति के गीत गाया करते थे। स्कूलों में जाते थे तो भी देशभक्ति के गीत गाया करते थे। आजकल चीजें बदल रही हैं, लेकिन उस बदलते हुए परिप्रेक्ष्य में भी अपने भीतर के जज्बे को, अपने भीतर के शौर्य को, अपने भीतर के पराक्रम को, अपने भीतर के नस्लिज्म को अपने को सोने नहीं देना है। तो मैं धीरे धीरे हिंदी बोलूंगा तो सबको समझ में आता है ना। हैदराबाद नहीं, पूरा आंध्र प्रदेश का बात कर रहा। हैदराबाद वालों को तो सब समझता है। बहुत पवित्र दिन है। ईरोजु गणतंत्र दिवोत्सवम पुण्य पंडगा दिनम अंदरी की देश प्रजलकु నాయొక్కా నమస్కారములు ఆశీర్వాదములు గణతంత్ర దివోత్సవ శుభాకాంక్షలు బాత్ బాత్ ఆప్కు బధాయి ఔర్ యే పహలీ బార్ మేరీ జిందగీ మే మే గణతంత్ర దివస్ పర్ హైదరాబాద్ మే హూ యే భీ మేరే లియే భీ సౌభాగ్య హై కి పూరా దేశ్ హమారా హై ఔర్ యే హమారే రాష్ట్రీయ ఉత్సవ్ హై। ये विशेष उत्सव एक यहाँ पर शिविर लगा था तब भी यहाँ पर एक बड़ा उत्सव मनाया गया था। और लोग जब कोई आंदोलन चलता है, जब कोई अभियान चलता है तो उसमें कहते हैं ये आंदोलन उत्तर भारत में चल रहा है, यह पूर्वोत्तर भारत में चल रहा है, यह दक्षिण भारत में चल रहा है, यह मध्य भारत में चल रहा है, यह योग आयुर्वेद स्वदेश और स्वाभिमान का आंदोलन पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे जहान में चल रहा है। भाषा की दीवारें टूट गई है, मजहब की दीवारें ढह गई है। हमारे बाप से मुस्लिम भाई भी यहां पर आज हैं, मेरे सामने भी बैठे हैं और हमारे स्वदेशी प्रचारक भी हैं। Yeah!
आ जाओ ऊपर आ जाओ। मैंने क्यों बुलाया, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत से सामाजिक और आध्यात्मिक संस्थाओं में मुस्लिमों का निषेध है। हमने कहा हमारे यहां पर मजहब नहीं देखा जाता, हमारे यहां पर संकल्प और विचार देखा जाता। तो ये तो हमारा क्या नाम है, साहेब जान। मैंने क्यों इस बात को कहा, ये मात्र एक ये विषय ऐसा नहीं होता है, कई जगह ऐसा होता है लोग अरे मुसलमान हमारे संगठन में नहीं आना चाहिए, हिंदू हमारे संगठन में नहीं आना चाहिए। बहुत से ऐसे कट्टरवादी मुस्लिम संगठन है, उसमें हिंदू उनका सदस्य भी नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ दूसरी जगह भी ऐसे होंगे, हिंदू में भी ऐसा हो सकता कहीं, लेकिन भारत स्वाभिमान 125 करोड़ भारतीयों का अभियान बहुत बहुत अच्छा। तो मैं देवबंद में गया, वहां करीब 10 लाख मुसलमान होंगे, बड़ा मेला था, बड़ा उत्सव था। उन्होंने पहली बार एक हिंदुस्तान के ऐसे फकीर को जो भगवाई पहनता है, जो एक एक पर देश के लिए जीता है, बोले बाबा जी आज बोलेंगे क्या। तो जब मैं वहां पर पहुंचा, देश के गृह मंत्री वहां पर थे, बड़े बड़े और कैबिनेट मिनिस्टर्स वहां पर थे, कुछ उस समय थे, चिदंबरम से लेकर के बहुत से कुछ जा चुके थे। अरे बोले बाबा आगे कुछ ना कुछ तो बवाल होगा, कुछ ना कुछ तो बखेड़ा होगा, कंट्रोवर्सी होगी। मैंने वहां से जब बोलना शुरू किया और पहला ही वाक्य बोला था, मैंने कहा भाई और बहनों हमारे मजहब अलग हो सकते हैं लेकिन हमारे पूर्वज अलग नहीं हो सकते। अरे भैया मजहब तो वक्त के साथ बदल रहे हैं लेकिन खून तो नहीं बदल सकता, तुम्हारा खानदान तो नहीं बदल सकता, तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी पहचान तो नहीं बदल सकती। हम सबका खून, हम सबका खानदान और हम सबकी मूल पहचान, मूल संस्कृति वो एक है।